अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो इनविटेशन कार्ड देके गई हैं, तो मेरे कज़न की शादी है, तो उसके लिए अभी मैं जो है ड्रेसिंग वगैरह देखना चाह रही थी, तो मैंने कहा ड्रेस वगैरह देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, उन्होंने ऑल फैमिली को कहा है, फैमिली को उन्होंने इन्वाइट किया है, तो अब हम जो है तैयारी कर लेते हैं फटाफट से। तो मैंने सेलेक्ट किया है फिलहाल के लिए ये वाला ड्रेस, ठीक है। ये क्रिंकल पर बना हुआ है और ऑल ओवर है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से नेक मैंने सिंपल सी इसकी बनवा ली थी, और स्लीव्स पर इस तरह से बॉर्डर से ऐड कर लिया था, जिस तरह से शर्ट बनी हुई है उसी तरह से, ठीक है। और पर्पल कलर है ये, बहुत खूबसूरत सा, और इस तरह से वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ करीब से भी। इसके ऊपर गोटे का काम है और साथ में सितारे लगे हुए हैं और साथ में कढ़ाई हुई हुई है, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत सा ड्रेस है, आप देख सकते हैं, बहुत नफासत से खूबसूरती से इसके ऊपर वर्क हुआ हुआ है। और बैक साइड जो है इसकी, वो बिल्कुल प्लेन है, सिंपल है बिल्कुल, इस तरह से जो है ना इसके ऊपर बनी हुई है, आप देख सकते हैं, इस तरह से फ्लावर्स बने हुए हैं, सितारे के साथ वर्क हुआ हुआ है इसका, कढ़ाई हुई हुई है, और ये जो है ना फासले फासले पर इस तरह से बने हुए हैं बैक साइड पर। और साथ में हमने जो है ना इधर पाइपिंग अटैच की हुई है, इसको जामेवार की पाइपिंग कहते हैं, ये वाली जामेवार वाली पाइपिंग हमने इसके साथ अटैच की थी, तो इससे जो है बहुत अच्छी सी लुक आ गई थी हमारे ड्रेस की। तो ये वाला ड्रेस मैंने फिलहाल के लिए सेलेक्ट किया है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ये ठीक रहेगा वलीमे के लिए, या मैं कोई और ड्रेस सेलेक्ट कर लूँ, क्योंकि फिलहाल के लिए मैंने ये किया है। अब देखते हैं कि मुझे कोई और अगर अच्छा लगे तो मैं वही पहन लूँगी, लेकिन फिलहाल मैंने ये वाला ही सेलेक्ट किया। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, इसके साथ जो ज्वेलरी वेयर करूँगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और जो मैं हील्स पहनूंगी या सैंडल्स वगैरह वो भी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आज दिखा दूँगी, वरना फिर मैं कल के ब्लॉग में दिखा दूँगी, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा ये ड्रेस मेरा कैसा है, ये वाला वेयर करने का मेरा इरादा। ये जो है इसके साथ है ट्राउज़र, जामेवार का बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, मैं करीब से भी दिखा देती हूँ। ये बहुत खूबसूरत से शेड देता है, ठीक है। ये जामेवार का जो ट्राउज़र है ये इसके काम के साथ मैच हुआ हुआ है, तो ये साथ में एक जैसी शेड देते हैं जब बंदा वेयर करता है। तो अभी आपने इसकी जो है ना आयरन पर नहीं जाना, क्योंकि मैंने अभी तक ये प्रेस नहीं किया ड्रेस, ठीक है, ड्रेस प्रेस नहीं किया, अभी सिर्फ मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने कवर से निकाले हैं, ये पैक हुए हुए थे, और ये इसका दुपट्टा है, इसके ऊपर सारे इस तरह से जाल बने हुए हैं, कढ़ाई हुई हुई है, ठीक है। और ये फुल जो है ना इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड है, और जो साइड हम जो है करेंगे सर के ऊपर, जो साइड आएगी सामने, तो वो इस तरह से है, ठीक है। इसके सामने इस तरह से वर्क हुआ हुआ है, सामने हेड के लिए ये जगह बनी हुई है, बहुत खूबसूरत सा वर्क है इसके ऊपर भी, और ये किए हुए बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, ये है जी मेरा ड्रेस, ये मेरी सिस्टर आपको अपना ड्रेस दिखा रही है, इसने फिलहाल के लिए ये वाला ड्रेस सेलेक्ट किया है कि ये वली में भी ये वाला वेयर करेगी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कैसा है जी, सिस्टर बताइए। व्हाइट कलर का वली में पे पहनने के लिए, और एम्ब्रॉयडर्ड नेक ये बनी हुई है इसकी, नेक के साथ सारा जो है नीचे तक ये सारा एम्ब्रॉयडर्ड है, और इस तरह की खूबसूरत से पर्ल्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे सारा वर्क हुआ हुआ है इस तरह से, ये खूबसूरत से बटन भी इन्होंने ऐड किए हुए हैं। स्लीव्स इसकी बिल्कुल सिंपल है और नेट पर बनी हुई है, और नीचे से आप देख सकते हैं कि इसका घेर कितना खूबसूरत है, ये देखिए जी, बहुत खूबसूरत घेर है इसका, सही है। और इसमें बहुत सारी नेट की लेयर्स हैं, 1, 2, 3 और ये 4, और नीचे ये कैनकिन भी है इसके, ठीक है, ये कैनकिन। तो ये बहुत खूबसूरत सा ड्रेस है, और ये पहने हुए ना सिंड्रेला वाली फीलिंग्स आती हैं, खूबसूरत से लगता है ना। तो सिस्टर ने वलीमे के लिए ये वाला ड्रेस सेलेक्ट किया है, और फिलहाल के लिए ना, तो अभी दूसरा भी दिखा देते हैं, आप कमेंट में बताइएगा कि मेरी सिस्टर कौन सा ड्रेस वेयर करी, ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइए। कैपी है ये जो व्हाइट फ्रॉक मैंने आपके साथ शेयर की है मैक्सी, और ये है इसकी कैपी, बिल्कुल सिंपल है व्हाइट कलर में जी। ये है मेरे सेकेंड ड्रेस, इन दोनों में से चूज करना मैंने कि मैंने कौन सा पहना है। ये सी ग्रीन कलर का ड्रेस है, और जिग जैक है, ये जिग जैक का डिजाइन बना हुआ है, गोटी का डिजाइन है इसके ऊपर, ठीक है, गोटी वाला, और सामने राउंड नेक बना लिया हमने, और नीचे जो है वो हमने दामन पे जो है ये लेस अटैच की, आप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत सी लेस अटैच की है, ताकि लोग ज्यादा खूबसूरत आ जाए, ठीक है। और ये गोटी का काम हुआ है, क्रिंकल पर ये ड्रेस बना हुआ है, और बैक साइड इसकी बिल्कुल सिंपल है, और पाइपिंग हमने इस तरह से गोल्डन कलर में इसमें लगा लिया, ताकि इससे लुक अच्छी आ जाए। और स्लीव्स के ऊपर जो है हमने ये बॉर्डर ऐड कर दिया, देख सकते हैं आप, जिस तरह की शर्ट के ऊपर है जिग जैक वाला, इस तरह से ऐड करके साथ में हमने लेस लगा दी है नीचे भी और ऊपर भी, तो इससे जो है ना अच्छी लुक आ रही है स्लीव्स की, और राउंड नेक है इसकी, और गोटी का वर्क हुआ है, और जिग जैक डिजाइन में है ये, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरी सिस्टर ने सेलेक्ट करना, आप लोग बताइएगा कि ये वाला ड्रेस ठीक है या ये वाला, दोनों में से एक सेलेक्ट करना है मेरी सिस्टर ने, इन दोनों में से कौन सा फाइनल किया ड्रेस? मेरा तो दिल कर रहा है व्हाइट कलर का ही पहनूं, यही वाला। हाँ जी, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि वलीमे के लिए ये लाइट सा कलर अच्छा रहेगा। ये भी बहुत अच्छा ड्रेस है, ये जो है ना अभी वीडियो में सही नहीं आ रहा, लेकिन इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है, सी ग्रीन कलर है इसका, और ये वाइट ड्रेस। तो सिस्टर ने फिलहाल के लिए ये सिलेक्ट किया, उसका पता नहीं चलता, वो जो है ना चेंज करती रहती है, तो फिलहाल के लिए इसने ये वाला ड्रेस सिलेक्ट किया। मेरा ये वाला ड्रेस है, ठीक है, ये पैक हुआ हुआ है फिलहाल के लिए, तो मैंने तो फिलहाल वही लाइट सा जो है वही कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो अगर मेरा प्लान बदल गया तो फिर मैं ये वाला ड्रेस पहन लूंगी, और ये फिर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी जब मैंने वेयर किया। तो अब हम ज्वेलरी देख लेते
लेते हैं और जो हमने बैंगल्स वगैरह पहननी है और रिंग्स वगैरह वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी पहननी है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं अपनी ज्वेलरी सिलेक्ट कर रही हूँ। एक ये वाला सेट है, टॉप्स है और लॉकेट है, और एक ये है लॉकेट से बना हुआ है, ये गोल्डन और मैरून कलर का है और ये वाइट इसमें है ना, वाइट गोल्डन, तो इन दोनों में से मैंने सिलेक्ट करना है। मैं तो यही पहनूंगी क्योंकि मुझे आपका वाइट ड्रेस है तो उसके साथ ये जाएगा। ये वाला हम ले लेते हैं। ठीक है, ये आपने सिलेक्ट नहीं किया। चलिए, साथ में ये लेंस है ग्रे कलर के, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि सिस्टर ने कैसे लेंस, इस तरह से कुछ कलर है इसका, आप देख सकते हैं ग्रे कलर। और यहाँ पे जो पिंस मैंने रखी है, एक ये वाले मेरे बड़े क्लिप्स हैं, ये पिंस हैं, ये वाली पिन है, ये मेरी एक घूम गई और एक रह गई बेचारी, और ये है, ये वाली पिंस है और ये वाली पिन है, तो पिंक तो इसके साथ मैच होना नहीं है ना, ये होनी है, तो मैं इसको यही सिलेक्ट करती हूँ। ये ज़्यादा अच्छी लग रही है वाइट कलर में। सिस्टर ने ये वाली जो है ना रिंग, ये वाली फाइनल की, क्योंकि ये वाइट और गोल्डन है तो ये उसके ड्रेस के साथ बहुत खूबसूरत लगेगी और डिसेंट सी लगेगी, तो मेरी सिस्टर ने ये वाली जो है ना सिलेक्ट कर ली है। ये वाली भी रिंग जो है ये भी मेरी सिस्टर ने सिलेक्ट की है, ये भी वाइट और गोल्डन है तो उसकी ड्रेस पर बहुत खूबसूरत लगेगी, मैचिंग भी हो जाएगी और बहुत खूबसूरत लगेगी। तो मेरी सिस्टर ने जो है वो ये एक और भी सिलेक्ट की है, ये दो रिंग्स उसने सिलेक्ट की हैं, एक एक हैंड में पहन लेगी और एक दूसरे हैंड में। ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। जी, ये मेरी बैंगल्स हैं, गोल्डन कलर में सिलेक्ट की हैं सिस्टर ने, क्योंकि जो फ्रॉक है उसके ऊपर गोल्डन कलर का काम हुआ है तो इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया। वन हैंड में तो ये पहनूंगी और दूसरे में ये वाला ब्रेसलेट पहनूंगी। ठीक है, और ये अगर मैंने स्टालर किया तो उसके लिए पिन्स हैं, ये पिन है वाइट कलर की, ये कलरफुल पिन्स हैं तो मैंने इसमें से ये वाली सेलेक्ट किया, और ये ब्रोच है। ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। और सिस्टर ये भी, ये टीका बहुत खूबसूरत लगेगा आपके साथ। मेरा तो दिल कर रहा है मैं ना पहनूँ उसे, पता नहीं क्यों। चलिए, हेयर स्टाइल बनाऊंगी तो देख लूंगी कि कौन सा पहनना है। एंड ये है क्लिप जो कि लगाऊंगी मैं, वाइट कलर का मैच हो रहा है ये, और ये मेरी आपकी ये ड्रेस के साथ ना मैच हो रहा है पर्पल कलर। ये सारी चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली है, लॉकेट, अंगूठियाँ, रिंग्स जो भी अकेले, लेंस, टॉर्च, पिन, ये भी क्लिप है, एंड पिंस, ब्रेसलेट, बैंगल्स। एक तो ये ब्रेसलेट है और एक ये है, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि वाइट है। सिस्टर आप ये पहने तो ये ज़्यादा ठीक अच्छे से नज़र आएगा, क्योंकि वाइट के साथ वाइट बिल्कुल मैचिंग हो जाएगी, तो कुछ जो है ना समझ नहीं आ रही होगी वो क्या है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं दोनों ही पहनूं। चलो ठीक है, आप बैंगल्स के साथ। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ फिर इन दोनों में से कौन सा पहनना है। वैसे तो मेरा तो दिल कर रहा है कि यही पहनूं या फिर दोनों पहनूं। कह रही हूँ कि ये वाला जो है ना क्लिप लगा ले ये, लेकिन मानती ही नहीं है भाई, मैच हो रहा है बिल्कुल उसके ड्रेस के साथ, देखिए बिल्कुल मैच हो रहा है जी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।